हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंड्स कुछ नई अपडेट आई है जो कि आपको क्रिप्टो बिल 2022 से रिलेटेड है जैसा कि रिसेंट में दो तीन दिन पहले आपको क्रिप्टो बिल 2022 जो है उसको लोकसभा में पास कर दिया गया है और थर्टी परसेंट टैक्स और एक परसेंट टी जो है वो आपको जो है इम्पोज होने वाला है तो फ्रेंड्स अब कुछ और अपडेट्स हैं और कुछ लोगों के सवाल हैं कुछ लोगों ने बोला कि आपको रिकन्सिडर करना चाहिए तो इसी पे ये जो अपडेट नई निकल कर आई है जिसको मैं आपको कंप्लीट अपने तरफ से पूरी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे सपोर्ट मिले तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो पार्लियामेंट के मेंबर हैं जिन्होंने बोला कि एक परसेंट जो टीडीएस है वो क्रिप्टो एसेट क्लास जो है उसको इंडिया में मार डालेगी खत्म कर डालेगी उसके सारे के सारे जो फ्यूचर अपकमिंग फ्यूचर है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देगी और उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि आप जो है रिकन्सिडर करें मतलब पुनर्विचार करें जिस तरह से पहले भी जब एक फरवरी को थर्टी टैक्स लगा था तो उस दिन से लेकर अभी तक पूरा ये सिलसिला चला था पिटीसन वगैरह भी चला था जिसपे कि सब ने ये आ, मतलब साइन किया था और सबका ये था कि भाई आप टैक्स लो टैक्स लेने में कोई दिक्कत नहीं है ना हमें देने में दिक्कत है बट एक रीजनेबल अमाउंट में टैक्स लो कि बहुत सारे लोग मिडिल फैमिली लोअर क्लास के लोग अपर क्लास के लोग मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री में कौन नहीं है स्टूडेंट तक भी इसमें इंक्लूड है सब कोई एक फाइनेंशियल एजुकेशन ले रहे हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टिंग करना ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बना रहे हैं बट थर्टी परसेंट टैक्स अगर प्रॉफिट पे देना पड़ा तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है जो कि गिन चुन के लोग होंगे जो इस इंडस्ट्री में फिर टिक पाएंगे बाकी सभी लोगों को इस इंडस्ट्री से हाथ धोना पड़ेगा तो चलो फ्रेंड्स अब यहाँ पे इन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि एक परसेंट जो है क्रिप्टो एसेट क्लास को इंडिया में मार डालेगी आप इस पर पुनर्विचार करें तो चलो अब इस पर क्या क्या बातें हुई है तो हम लोग पूरी डिटेल्स में समझते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो जिस तरह से यहाँ पे आप कहना है कि जो टैक्स प्रोविजन है कहाँ पे तो फाइनेंस बिल 2022 के अंदर जो कि लोकसभा में पास कर दिया गया है जो कि लोअर हाउस होता है आपको इंडियन पार्लियामेंट का तो वहीं पर ये जो सवाल है उठा जिस पर कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि जो ट्रांजेक्शन मतलब जो टीडीएस है क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पे जो ले रही है इनका पर्पस है ट्रैक करना मतलब ये ट्रैकिंग पर्पस के लिए वन परसेंट टी जो है लिया जा रहा है जो कि उनको बहुत बड़ा इशू नहीं लगता या उनको कुछ गलत इसमें नहीं दिखता है तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि यहाँ पे है कि लोकसभा इंडिया लोअर हाउस पार्लियामेंट जो कि 2022 फ्राइडे के दिन पास हुआ है उसमें 30 परसेंट टैक्स है जो कि आपको पता है एक अप्रैल से जो है इंपोज हो जाएगा साथ ही साथ एक परसेंट का जो टी है ये आपको इफेक्ट में आने वाला है एक जुलाई से और थर्टी परसेंट आने वाला है आपको एक अप्रैल से तो फ्रेंड्स इस तरह से ये बातें आपको पहले से भी क्लियर है अब बात करते हैं जिसने ये सवाल उठाया ये पार्लियामेंट मेंबर है जिनका नाम है फ्रेंड्स रितेश पांडे इन्होंने अपना ये कॉन्सर्न जो है गवर्नमेंट के सामने रखा किस चीज को लेकर तो एक परसेंट जो कि क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पे लगने वाला है क्रिप्टो ट्रेड पर लगने वाला है उस चीज को लेकर इन्होंने अपना कॉन्सर्न रखा और इन्होंने बोला कि ये जो

उस क्रिप्टो को ट्रांसफर किया वॉलेट में देने एक परसेंट फिर उससे एन एफ टी बाय किया फिर एक परसेंट तो यहाँ पे इनका कहना है कि हर बार जितने स्टेज में काम होगा उतने स्टेज में एक परसेंट एक परसेंट करके टी डी एस देना होगा फिर यहाँ पे इन्होंने बोला जो कि ये क्या करेगा तो एक रेड टैपिजम मतलब लाल फिताशाही को ये जो है जन्म देगा और इस तरह से करने से आप क्या करेंगे तो ये एक नई जो एसेट क्लास जो जो डेवलप हो रही है नई एक टेक्नोलॉजी है जो नया एक इनोवेशन है है जो कि कि आ रहा है जिसको करना चाहिए एक रीजनेबल टैक्स अमाउंट के साथ उसको आप लोग खत्म कर देंगे उसको आप लोग पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे तो यहाँ पे इन्होंने ये बातें जो है रखी थी अब बात करते हैं इन्होंने ये बातें रख दी अब गवर्नमेंट इस पर रिकनसिडर करेगा नहीं करेगा आपको पता है कि

हम लोग अभी कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हम लोग अपना रिक्वेस्टिंग कर सकते हैं कि इस पे पुनर्विचार किया जाए तो यहीं पे अगर बात करें तो अब यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि वो जो एक परसेंट टी जो है क्रिप्टो पर ले रही हैं इनका मेन पर्पस है ट्रैकिंग पर्पस मतलब ट्रैक करना कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ पैसा जा रहा है कौन पैसा लगा रहा है कहाँ ले रहा है कितना ले रहा है मतलब ट्रैकिंग पर्पस के लिए ये जो एक परसेंट टी लगाया जा रहा है और इसमें कुछ नया नहीं है इनका कहना है कि ये ट्रैकिंग पर्पस के लिए एक परसेंट टी और ये कुछ बहुत नया मतलब ये नहीं कर रही है ये मतलब कुछ खास नहीं है इनका साफ साफ सा ये मतलब है अब यहाँ पे है कि टी वगैरह को लेकर अब इन्होंने जो फिर से यहाँ पे कुछ बातें कही किसने तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इट इज अ टैक्स डेट विल हेल्प पीपुल ट्रैक इट कि यह एक टैक्स है जो कि लोगों का लोगों को ट्रैक करने में हमें मदद करेगी साथ ही साथ उसी सेम टाइम पे जो टैक्स पेयर है वो हमेशा क्या करेंगे तो अपने जितने भी टोटल टैक्स उनके बन रहे हैं वो गवर्नमेंट को पे करेंगे मतलब इनका ये मानना है कि इजीली ये लोग ट्रैक कर पाएंगे टी डी लगा के जिससे कि सारा रिकॉर्ड इन लोगों के पास अच्छे से रहेगा और यहाँ पर जो टैक्स में चोरी होती है या जो टैक्स से लोग बचने के लिए तिगड़बाजी करता है ये सब कुछ लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारा हिसाब किताब इनके पास रहेगा और जो भी टैक्स पेयर होंगे उनके दिमाग में भी ये बातें रहेंगी और उस हिसाब से वो लोग टैक्स जो है आसानी से और से गवर्नमेंट तक पहुंचाते रहेंगे और पे करते रहेंगे अब बात करते हैं कि आदित्य सिंह जो एक पता है आपको यूट्यूबर हैं जिनका चैनल भी है क्रिप्टो इंडिया जो कि पेटिशन भी चलाए थे तो फ्रेंड्स इनका भी कहना है कि एक तो आपने लॉस सेटअप नहीं रखा है एक परसेंट टी डी एस जो है वो ट्रेडर्स को फोर्स करेगी किस चीज़ के लिए फोर्स करेगी तो अपना डे ट्रेडिंग जैसे डे ट्रेडिंग क्या होता है कि आज ही आपने बाय किया आज ही आपने सेल कर दिया तो एक दिन के अंदर में की गई जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको डे ट्रेडिंग के तौर पे देखते हैं तो यहाँ पे कहना है कि एक परसेंट टी डी एस होगी वो डे ट्रेडिंग को खत्म कर देगी और उनको मूव करने पर मजबूर करेगी कहाँ पे तो इंटरनेशनल एक्सचेंजेज मतलब कि ये जितने भी रूल रेगुलेशन इंडियन एक्सचेंजेस पे लागू होंगी तो उनका कहना है कि वो डे ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे एक परसेंट टी डी एस बार बार देने के कारण से जिस कारण से वो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की तरफ मूव कर सकते हैं साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जो लिक्विडिटी क्राइसिस होगी वो इंडियन एक्सचेंजेस में बढ़ जाएगी जैसे कि लिक्विडिटी मतलब होता है कि वॉल्यूम होता है मान लो अगर इंडियन एक्सचेंज में अभी के टाइम में दो लाख ट्रेडर हैं तो इनका है कि ये अमाउंट घटने लगेगी ये कम होने लगेगी जिससे कि एक्सचेंजेस में अगर ट्रेडिंग फी कलेक्शन है वो कम होने लगेगा साथ ही साथ जो जी रेवेन्यू है वो लोअर होने लगेगी और इंडियन गवर्नमेंट के पास भी जो भी रेवेन्यू आती है वो भी कम होने लगेगी क्योंकि जब वॉल्यूम में घट जाएगी जब लोग इन्वेस्टमेंट करना ही कम कर देंगे ट्रेडिंग करना ही कम कर देंगे तो गवर्नमेंट को भी कमाई कम ही होगी तो ये सब बात इन्होंने अपना ओपिनियन रखा है किसने तो इस यूट्यूबर ने अब बात करते हैं यहां पे वजीर एक्स के जो फाउंडर है इन्होंने भी कुछ बातें कही जो कि है निश्चल सेट्टी इन्होंने बोला कि एक परसेंट जो है ये किस तरह का एग्जाम्पल है तो आप जो है गोल्डन गूज को किल कर रहे हैं और फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट इसके साथ ये जो आपका मतलब अपडेट या वीडियो है ये फिनिश हो जाने वाला है तो इन्होंने बोला कि होप टू सी द गवर्नमेंट रिविजिट दिस एंड रिड्यूस और एलिमिनेट दिस टीडीएस इन्होंने बोला कि आशा करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो रिविजिट पुनर्विचार करेगी किस चीज को लेकर तो जो टी है उसको रिड्यूस करने को लेकर एलिमिनेट करने को लेकर किस तौर पे ताकि वो क्रिप्टो इंडस्ट्री को बढ़ने में मदद करे क्रिप्टो इंडस्ट्री को बढ़ने में मदद करे इंडिया के अंदर और शुरू से सबका यही कहना है कि भाई आप टैक्स लो कोई नहीं रोक रहा लेकिन आप इस वे में लो कि लोग को इंकोज करो यहाँ पे क्रिप्टो इंडस्ट्री को इंकोज करो ताकि लोग इसको अच्छे से समझें और इसमें इंक्लूड हो सेफली इंक्लूड हो रिस्क फ्री इंक्लूड हो आप उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाओ जो करना है करो मैं खुद कहता हूँ सब कुछ करो बट लोग के हित में करो तो चलो फ्रेंड्स ये जो भी अपडेट थी मैंने अपने तरफ से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है अब फिर से अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हो तो प्लीज लाइक करो चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो मैं आप ही लोग के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ टाइम टू टाइम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में